सारे सेलिब्रेशन में एक करेक्टर मेन होता है, वो है केक। मिंटू की बर्थडे पार्टी हो या भैया भाभी की एनिवर्सरी, पापा का प्रमोशन हुआ हो या बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग, बल्कि आजकल तो लोग डाइवोर्स भी केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं। शख्स केक देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन कस्टमाइज्ड केक देखकर हमारी खुशियों में चार चांद लग जाता है। पर्सनलाइज्ड केक आपको मार्केट में मिलता तो है, क्या पर वो आपको साधारण केक के प्राइस में मिलता है? नहीं। क्या वो आपको 2 घंटे के अंदर मिलता है? नहीं। क्या आप उसको घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं। यही हम क्रम कासल में कहते हैं हाँ। नमस्ते शाह, मेरा नाम है वीना मित्तल। और मेरा नाम है प्रांजय मित्तल। हम नोएडा से हैं। क्रम कासल इंडिया का पहला और अकेला ब्रांड है जो एक कस्टमाइज केक मात्र 2 घंटे के अंदर बना सकता है, वो भी मार्केट से 40% सस्ते प्राइस में। पूरे विश्व में क्रम कासल से ज्यादा डिजाइन एंड फ्लेवर प्रोफाइल किसी भी बेकरी के पास नहीं है। हम केक्स के अलावा चीज केक्स, पेस्ट्रीज एंड इक्लेयर्स में भी डील करते हैं। मेरे घर के किचन से शुरू हुए क्रम कासल की आज दिल्ली NCR में 3 ब्रांचेज हैं, और अब तक हम 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा विजन है, हम माँ बेटे भारत के हर शहर और हर घर में हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज हम आपसे 60 लाख रुपए लेने आए हैं 1.5% इक्विटी के अगेंस्ट। तो आइए शख्स साथ में जुड़कर हर सेलिब्रेशन का स्पेशल बनाते हैं। और अब आए गए हैं तो सबसे पहले क्यों ना केक काट के इसको स्टार्ट किया जाए। Right. केक काटते हैं। अच्छा आप काटिए, आप फाउंडर्स हैं। अमित सर इज लाइन यूनिट बाय यूनिट ब्रांड बाय ब्रांड उन्होंने पूरा बनाया है। अरे वाह। विनीता फिटनेस फ्रीक दैट यू आर एंड हाउ यू इंस्पायर अस। अमन कैफे से बोर्ड तक आपने बनाया है, हमने देखा है। और नमिता वो आपके वीर। अनुपम शादी के लिए मैग्नानिमस। तो एक डिस्क्लोजर, यहाँ पर प्रांजय और मैं साथ में काम करते थे। ये कार देखो, मैं था पहले। And then he left to start do this startup so, few years back. जब आप वो काम करते थे वहाँ पर, आप इतना स्टार हो गए थे सेलिब्रेशन के लिए कि आपने निकल के सेलिब्रेशन का बिजनेस स्टार्ट। जर्नी में आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ आके इतने एक्साइटेड हो कि हमेशा लाइफ में ऐसे ही रहते हैं? हमेशा ही रहता हूँ सर, मैं हमेशा सेलिब्रेशन मोड में रहता हूँ। हाँ, फिर दिखाओगे? तो आपने यहाँ आके बनाया या दिल्ली से लाए? वी रेंटेड अ किचन हियर, यही बनवाया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हां आपका केक अच्छा है। थैंक यू। वेरी नाइस। द सॉल्टेड कैरमल इज रियली गुड, इवन द एक्लेयर इज आउटस्टैंडिंग। बहुत ही अमेजिंग, डिलीशियस, बहुत अच्छे यार, मजा आ गया। थैंक यू, आपने दिल खुश कर दिया। केक का शौक आपको इनसे आया या इनको आपसे आया? नहीं, ये जर्नी तो मेरी है। मेरे अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली, जहाँ पता लगता था आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैं सबको गिफ्ट में केक भेजती थी। अच्छा। और जब वो उन लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आया ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और फिर मेरे हस्बैंड ने 2013 में मुझे एक स्मॉल बेकरी ओपन कराई। मेरी जहाँ बेकरी थी वो सराउंडेड बाई ऑल मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मतलब काफ़ी जल्दी हम पॉपुलर हो गए थे। और मुझे बेकिंग का ना पैशन बहुत है, मैं रात भर बेकिंग कर सकती हूँ, सारा दिन बेकिंग कर सकती हूँ। तो बेसिकली मैं IIT के फाइनल ईयर में था, तब मम्मी ने IIT दिल्ली से, अच्छा, तो मम्मी ने बेकरी स्टार्ट करी थी। तब तक मैं 2 स्टार्टअप करके फेल भी कर चुका था। अच्छा। क्योंकि मुझे बचपन से ही बिजनेस करना था। मैंने पहला टीवी पापा की शॉप पे 6th स्टैंडर्ड में बेचा था, तभी मुझे थ्रिल आ गया था कि मुझे करना यही है। फिर ना वहाँ जो 2 फेल किए, मुझे समझ में आ गया कि मेरे को अभी आता नहीं है पूरा बिजनेस चलाना। तभी अमित कैंपस आए, लास्ट राउंड इन्होंने लिया था, एंड ही हायर्ड मी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो वहाँ जाके मैंने पूरा टेक सीखा, एंड तब मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि इस बिजनेस को अगर टेक देना है और इसको बनाना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं अमित के पास गया कि मेरे को, अमित मेरे को अपना काम करना है। उन्होंने पूरा एक अपनी टेबल ली, पूरा मेरा बिजनेस मॉडल बनाया और कहा इसमें बंदे नहीं, इसमें तू ये कर, और मैं तेरा रेजिग्नेशन नहीं ले रहा, तू जा ये करके आ। टुडे मैंने जो पूरा बिजनेस बनाया है, पूरा टेक मैंने खुद बनाया है, पूरी मार्केटिंग मैं खुद करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, एंड आई लर्न इट फ्रॉम हिम। अमित ने जयपुर से $1 billion कंपनी बनाई है, वहाँ जो सीख के आया हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, एंड दैट वाज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मी। जैसे मॉम ने बताया कि बच्चे आते थे स्टूडेंट्स, तो उससे क्या देखा मैंने कि एक गर्लफ्रेंड को एक बॉयफ्रेंड ने केक दे दिया। अब उस कॉलेज में अगर कोई और बॉयफ्रेंड उस गर्लफ्रेंड को डिजाइनर केक नहीं दे रहा है ना, उसका प्यार कम है। तब मुझे दिखा कि इंडिया में इंस्पिरेशनल चीज है ये। तो हमने ये था कि अगर इफ वी कैन मेक एवरी केक अ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, दैट्स व्हेन वी कैन डू द डिसरप्शन इन द मार्केट। बट ये केक का जो पर्सनलाइज केक वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहले तो नया था, लेकिन आई थिंक अब तो हर कोई कर लेता है।
करता हर कोई है, बट इसको स्केलेबल कोई नहीं बना पा रहा है। हमने जो करा है इसको स्केलेबल बनाया है हमारे असेंबली लाइन मॉडल से, वेयर इट्स नॉट पीपल डिपेंडेंट, इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। तो हमने क्या किया, इस पूरे डिजाइनिंग को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने फ्रेशर्स को आए स्पेसिफिक पार्ट सिखाए, जैसे किसी को रोलिंग सिखाई, किसी को कटिंग सिखाई, तो दैट वॉज ईजी। जैसे ये केक है, अभी कैसे बनेगा, ये लेयरिंग हो गई, उसके बाद इसकी कवरिंग हो जाएगी एंड इसको फिर फ्रिज में एक तरफ ठंडा होने लग गया। अब यहाँ पे देखिए उसको ये बना रहे हैं एक एक पार्ट। अब यहाँ पे इसकी असेंबलिंग हो रही है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको 3D मॉडलिंग हो रही है। तो एक बंदा वही करता है 3D मॉडल, हर किसी को एक चीज करनी है, हर कोई अलग काम। उससे हम एट्रिशन भी कंट्रोल कर पाते हैं। फैक्ट्री लाइन प्रोसेस लग रहा है। या असेंबली, एक अभी असेंबलिंग करेगा सर। 50,000 का शेफ जो और लोग रखते हैं उसको हमने 10,000 की ट्रेनी से रिप्लेस कर दिया। दैट इज वेयर वी कुड ब्रिंग द लेबर कॉस्ट डाउन। उसके अलावा क्या करा, बिकॉज 7 स्टेप्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको कॉमन दिखेंगे मल्टीपल केक में। 3-4 पार्ट्स ऑफ द असेंबली लाइन वर ऑलरेडी इन द साइकिल दैट वी डू इट बाय डिमांड प्रेडिक्शन। तो क्या होता है, जब ऑर्डर आता है आपके पास तो आधा केक तो पार्ट्स में रेडी होता है, बस उसे असेंबल करना है, लास्ट की दो चीजों को उसमें लगाना है एंड द केक इज रेडी। इंटरेस्टिंग है। तो आपका धंधा कितना बड़ा है? लास्ट मंथ हमने 88 लाख की सेल करी। पिछले 3 साल का नंबर बता दीजिए। लास्ट ईयर हमने किया था 7.2 करोड़ का। अच्छा, उससे पहले हमने किया था 5.2 करोड़ का और उससे पहले था 3 करोड़ का। ये साल कितना, क्या रन रेट? 13 करोड़ हम क्लोज करेंगे। ओके, और ये आपने शॉप से या ये कहाँ से बेचा? तो सबसे अच्छा पार्ट हमारे बिजनेस का ये है दैट 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम D2C वेबसाइट। ये Zomato स्विगी पे 30% ही है सर। और यार 3 दुकानें बताई आपने, वहाँ से क्या हो रहा है? क्लाउड किचन से। अच्छा, आपकी बेकरी आपने बंद कर दी? वो एक लेगेसी छोटी सी चल रही है। वही था ना कि स्टेप बाय स्टेप करना है, ज्यादा नहीं फैलाना। पहले प्रोडक्ट क्रैक किया, फिर प्रोडक्शन क्रैक किया, अब हमें पता है कि हम कैसे इसको 4-tier मॉडल बनाएंगे जहाँ एक क्लस्टर किचन होगा। क्लस्टर किचन में क्या होता है, 70-80% ऑफ प्रोडक्ट इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स में बन जाता है, फिर ये स्पोक किचन में जाता है डिफरेंट सिटीज के, वहाँ पे इसकी असेंबलिंग होती है। आगे आएगा कॉन्सेप्ट डार्क स्टोर्स का, जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट जाएंगे लाइक डेजर्ट्स और हाफ केजी के, जिनको सिर्फ पैक करके देना होगा। जैसे क्विक कॉमर्स और दिस इज Zomato से डिपेंडेंट, क्योंकि पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, एक्विजिशन लेके आएंगे। फोर्थ विल बी दिस ऑफलाइन बेकरी, जहाँ पे हम एक्सपीरियंस देंगे। दो डायमेंशन में देखते हैं आपका बिजनेस। एक है आपने क्लियरली यहाँ पर ऑटोमेशन और प्रोसेस लगा दिया है, दूसरा कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज के दिन हम D2C पे कस्टमर्स गूगल से लेके आते हैं। जैसे ही कस्टमर सर्च करता है वांट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर माय हस्बैंड, वांट टू प्रपोज माय गर्लफ्रेंड, शादी के लिए कुछ करना है, वो गूगल पे जाते हैं, आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखी है और वहीं गूगल पे हम कस्टमर्स को एक्वायर कर लेते हैं। क्या क्या है? 400 रुपीज का है फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू, 1700-1800 रहती है डिजाइनर की। LTV 2000 रुपीज की। एज अ बिजनेस मेरे को क्यों नहीं लग रहा कि ये एक लेवल के बाद बहुत बड़ा हो सकता है? केक इंडस्ट्री 15,000 करोड़ की है, राइट? हाँ, बट केक है तो बहुत सारी पेस्ट्री, शारदा पेस्ट्री शॉप है हमारे घर के बारे में, ग्रीन पेस्ट्री शॉप। आपकी नेबरहुड बेकरी है, वो आपको 4 चॉकलेट केक देगी, 4 पाइनएप्पल केक देगी, बट आपकी वो एस्पिरेशन को हर बार फुलफिल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हम लोग कह रहे हैं कि सेलिब्रेट आप कुछ भी करो, यू मेक इट स्पेशल। अभी मदर्स डे गया था, हमारे लिए तो साल का बिगेस्ट दिन था। दीपेंद्र गोयल ने भी Zomato पे ट्वीट किया था, दैट वाज द बिगेस्ट डे फॉर Zomato। मदर्स डे इज द बिगेस्ट डे इन द वर्ल्ड फॉर गिफ्टिंग। करेक्ट, हम सेलिब्रेशंस की चीजें बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन पे आजकल रक्षाबंधन केक्स आ गए हैं, दिवाली पे लोग दिवाली थीम केक रखते हैं अपने पास, फ्रेंडशिप डे के केक्स हो गए, तो एवरी टाइम यू आर लुकिंग टू सेलिब्रेट। तो अब क्या, हमारा सिर्फ पर्सनलाइज केक नहीं है। अगर मैं केक्स में भी बात करूं, बाय वॉल्यूम 50% इज पर्सनलाइज केक, 50% इज रेगुलर केक्स। फंडा यहाँ पे ये कि आप साल में 10 बार सेलिब्रेट करते हो, आप 2 बार अच्छे से करोगे पर्सनलाइज केक लो, 6 बार आप रेगुलर केक लोगे वो भी लो हमसे। ये कमोडिटी है और इस कमोडिटी को हम अपग्रेड कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ एन एक्सपीरियंस। आपने जो ये वीडियो दिखाया जहां देयर डिफरेंट पीपल डूइंग वन स्पेसिफिक पार्ट, तो आप किसी भी केक शॉप में जाइए देयर इज एन असेंबली, तो मतलब मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा इसमें। रेगुलर केक में असेंबली नहीं होती है कि स्पंज बनाने वाला अलग होता है, फिलिंग बनाने वाला डिजाइनर, बट उसके ऊपर की लेयर में वो एक आर्टिस्ट को रखते हैं अपने पास ऑन कॉल, जो कि 50,000 रुपए की सैलरी का बंदा होता है। अगर सपोज ये विनीता वाला केक का ऑर्डर आएगा तो गर्ल कोई और बनाएगी, जो छोटे एलिमेंट है वो कोई और बनाएगा। इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स असेंबली लाइन, इट इज वेरी इजी टू कॉपी। प्रांजल, या मुझे अभी आउट होना पड़ेगा फॉर द रीजन कि मुझे लग रहा है कि फील नहीं आ रही कि रेप्लिकेशन हो सकती है। अभी तक मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं अभी आउट हूँ। फर्स्टली आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि एन IIT दिल्ली ग्रेजुएट, इतनी अच्छी नौकरी सब छोड़ के आप इतने
conviction ke saath you're in a business because otherwise bahut taboos or labels hote hain. You're making cake after IIT. Yeah. But you have a vision. So I think that's fabulous. But mujhe koi differentiator nahi lag raha hai. The assembly line can be copied easily. और ये जो आप बोल रहे हैं पर्सनलाइज केक्स बहुत सारे प्लेयर्स हैं सो लव योर पैशन बट आई एम आउट फॉर देम आल्सो आई वांट टू जस्ट मेंशन हियर दैट वी आल्सो हैव अ लाइक वी हैड अ वीसी टर्म शीट आल्सो दैट वी डिड अरे वाह क्या वैल्यूएशन पे किया किससे लिया 31 करोड़ पोस्ट मनी पर भी साइन किया और आपने यहां पे 40 करोड़ मांगा के नहीं तो टर्म शीट को साइन करे हुए हमें 1.5-2 महीना हो गया है और हमारा तब से बिजनेस भी जो है मतलब बढ़ गया है तब हमारा था हम 75 लाख के आसपास करते थे आज हम 88 लाख के आसपास करते हैं टर्म शीट साइन करके 1.5 महीना हुआ है पैसे नहीं आए ड्यू डिलिजेंस भी अभी नहीं हुई है और आपने लिटरली यहां के 33% बढ़ा दिया रेवेन्यू के उससे कर रहा हूं कि उस समय रेवेन्यू पे जो कर रहा था जो मल्टीप्लायर पे उसी मल्टीप्लायर को मैंने वो कराया 31 करोड़ में कितना रेज किया है 5.5 करोड़ Why do you need 60 lakhs more? I'm not able to make sense. सबसे पहले जो पैसा जाएगा हमारा नेटवर्क ऑफ किचन से बनेगा कि हम क्लस्टर किचन बनाएंगे स्पोक किचन बनाएंगे डार्क शोज बनाएंगे सबसे पहला ये हो गया कब तक होगा कितनी बनेगी तो हमने प्रोजेक्ट किया कि 1.5 साल के अंदर हम इसको 50 करोड़ का ARR पे ले जाएंगे ओनली थ्रू क्लाउड किचन थ्रू क्लाउड किचन एंड कपल ऑफ ऑफलाइन स्टोर्स टू डेवलप द प्लेबुक दैट हाउ डू वी वांट टू टेक इट अहेड इन द फ्यूचर क्योंकि ऑफलाइन स्टोर का गेम थोड़ा अलग है उसको समझने में टाइम लगेगा करके समझ तो कितने स्टोर होंगे अप्रॉक्स 8 स्पोक किचन्स 2 स्टोर्स एंड 12 डार्क स्टोर्स रंजय यार ये भी बताओ मेरे को कि इसका टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कितना मैटर है अपने यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझा हमारा ग्रॉस मार्जिन है 65% 35% कॉग्स होता है फिर 15% मार्केटिंग कॉस्ट है हमारी 5% कमीशन है क्योंकि Zomato पे डिपेंडेंस बहुत कम है एंड 5% ही डिलीवरी है 14% हमारी किचन सैलरी एंड 6-7% हमारा रेंट रहता है तो हमारा स्टोर लेवल एबिटा अभी चलता है 19% के आसपास का एंड फिर हमारा टेक कॉस्ट 1% क्योंकि मैं ही पूरा देख रहा हूँ जो कॉर्पोरेट एचओ कॉस्ट है वो 10% है तो मेरा कंपनी लेवल एबिटा समवेयर अराउंड 8% का रहता है इस साल कितना प्रॉफिट करोगे इस साल अब क्योंकि हम इसको 12 करोड़ से 50 करोड़ का लेके जाने वाले हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बर्न रहेगा स्टार्टिंग में क्योंकि हम नए किचन खोलेंगे बट अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ कि एक नए किचन को 6-8 महीने में पेबैक पीरियड मांगते हैं 50 करोड़ एक साल में कर लो 1.5 साल और कितना लॉस कर लो हमारा बर्न जो रहेगा मोटा मोटा 4-4.5 करोड़ का रहेगा वो ही रेज किया आपने yes, वो बर्न yes, के लिए yes. बिल्डअप रहा वीना जी आपकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उसने खुद से 2 फेल्ड स्टार्टअप्स की थी फिर आपके बिजनेस में ज्वाइन करके अभी इतना सक्सेस पाया है तो कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ रोल मॉडल थैंक फॉर सो मेनी वुमेन एंड फॉर योर सन बट आई थिंक कि यू नो पर्सनलाइजेशन ऑन इट्स ओन को बहुत बड़ा स्केल करना एक टफ होगा क्योंकि मुझे लगता है कि केक के बिजनेस में अभी भी 2 चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी एक है लॉजिस्टिक्स विच इज़ कि कहीं भी टाइम पे लास्ट माइल मिल रहा है एंड दूसरा है टेस्ट जैसे थियोब्रोमा रेड वेलवेट की वजह से बना तिरामिसू किसी और का फेमस है तो वो ये 2 चीज़ें सबसे बड़े मैटर करेंगी पर्सनलाइजेशन तो एक एड ऑन रहेगा आई एम आउट आपके पास ऑलरेडी 5.5 करोड़ की टर्म शीट है सो बेस्ट ऑफ लक आप मंथली कितने नए कस्टमर एक्वायर कर रहे हो 1500 थ्रू D2C चैनल थ्रू Zomato स्विगी समवेयर 1500 अगेन अपना मंथली रिपीट कितना है 60% वर्ड ऑफ माउथ केक्स का ऑटोमेटिकली होता है एक जगह जाएगा 10 लोग खाएंगे उनका बर्थडे आएगा वो ऑटोमेटिकली एक्वायर हो चुके हैं वो ऑर्डर करेंगे तो सो ऑन एंड सो फोर्थ आपकी क्लैरिटी जो है ना हर सवाल का जो आप जवाब देते हैं यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट दैट क्लैरिटी इज वेरी रिफ्रेशिंग तो गुड वर्क पैशन और प्रोसेस में तो आप एक्सलेंट हैं मैं काफी टेम्प्टेड था Especially because of your delicious cakes and the business that you've built. लेकिन यार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है आपके वैल्यूएशन आप जो 31 करोड़ का आपको मिल गया है वैल्यूएशन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा फॉर दैट रीजन गुड लक मैं भी वैल्यूएशन पर अटका हुआ हूँ जो अनुपम बोल रहे हैं मेरा भी सेम प्रॉब्लम मैं 31 करोड़ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा इसमें वैल्यूएशन मैं फिर भी एक ऑफर देता हूँ अगर आपको पसाता हो तो ठीक है 60 लाख फॉर 4% इज व्हाट आई वांट थैंक्स फॉर द ऑफर बट जैसे आप जानते हैं कि हमने अभी ये फंड रेज के लिए तो एक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं इस जर्नी पे जा रहा हूँ तो एक रिगार्ड और एक फेथ जो लोग मेरे पे फेथ दिखा रहे हैं वो मुझे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा तो वो एक चीज़ है बट डेफिनेटली बिकॉज यू आर वन ऑफ द मेंटर दैट आई हैव इफ यू अलाउ आई वुड वॉन्ट टू काउंट कैन वी डू दिस लाइक 60 लाख 2% यू से 30 करोड़ ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन में तो रेज किया जा रहा है ठीक मैं उस पर आना नहीं चाह रहा अमित इसी को करते हैं ना 2% पे या फिर 2.5% करते हैं
मेरा काउंटर होगा 2.5%, बट इसको डन करते हैं क्योंकि आप आएंगे मेरे साथ, आपका विजन बहुत अच्छा होगा एंड इट विल हेल्प मी अ लॉट इन ग्रोइंग. So let's go for it. 2.5%. Deal done. All right. Good luck. Congratulations. Well done and well deserved. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Good job. Thank you. All right, guys. Thank you. Thank you.